स्वाधीनतार अमृत महोत्सव और आज आंबेडकर जयंती अवसर में देशवासी को नुआ उपहार दिल्ली में उद्घाटित तो हो प्रधानमंत्री संग्रहालय स्थानित तो हो 14 जन पूर्वतन प्रधानमंत्री संपर्कित तथ्य फोटोचित्र गुरुत्वपूर्ण अभिभाषण और सेने विदेश पाई उपहार इत्यादि यार उद्घाटन अवसर में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कहते इस संग्रहालय भविष्य निर्माण गोटे शक्ति केन्द्र बनब आगामी पीढ़ी को प्रेरणा जगैब निर्माण प्रति पहाच गोटिक पर गोटे गुरुत्वपूर्ण अध्याय राष्ट्र निर्माता मानक प्रति अवदान स्वाधीनता संग्राम नवभारत निर्माण दुर्लभ फटोचित्र तथ्य और सूचना एवं बहु विरल सामग्री सबकि सजेई हो रही संग्रहालय भितर दिल्ली तीन मूर्ति भवन नेहरू म्यूजियम बिल्डिंग सहित आधुनिक टेक्नोलॉजी लगिता नुआ कोठा को जोड़ी निर्माण हो नुआ प्रधानमंत्री संग्रहालय डॉक्टर वीआर अंबेडकर जयंती अवसर में यह उद्घाटन करते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एस नवनिर्मित म्यूजियम प्रथम टिकेट किनी बुली देखी उद्घाटन अवसर में मोदी कहते जे प्रधानमंत्री संग्रहालय भविष्य निर्माण भी एक शक्ति केन्द्र बनब आगामी पीढ़ी को प्रेरणा जोगाइब बोली आशा प्रकाश करते मोदी मुझे विश्वास है कि ये नवनिर्मित प्रधानमंत्री संग्रहालय भविष्य के निर्माण का भी एक ऊर्जा केंद्र बनेगा अलग अलग दौर में लीडरशिप की क्या चुनौतियां रही कैसे उनसे निपटा गया इसको लेकर भी भावी पीढ़ी के लिए ये एक बड़ी प्रेरणा का माध्यम बनेगा यहां प्रधानमंत्रियों से संबंधित दुर्लभ तस्वीरें भाषण साक्षात्कार मूल लेखन जैसी स्मरणीय वस्तुएं रखी गई है। देशर प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को ठारु आरंभ करी लाल बहादुर शास्त्री को जाए इंदिरा गांधी अटल बिहारी वाजपेयी को ठू मनमोहन सिंह को जाए आदर्श विचारधारा और कार्य अवधि निर्विशेष स्थानित तो हो 14 जन पूर्वतन प्रधानमंत्री संपर्कित तथ्य फटोचित्र गुरुत्वपूर्ण अभिभाषण सेने विदेश पाई उपहार इत्यादि जवाहरलाल नेहरू सारा विश्व पाई उपहार गुड़ प्रथम थर पर लोकलोचन को अणाई देश गठन में प्रधानमंत्री मान योगदान से कार्यकाल बेले घटी गुरुत्वपूर्ण घटनावल भी देखा मिली जवाहरलाल नेहरू सम्मुखें लगी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी फटोचित्र हमारे देश के 14 प्रधानमंत्रियों से संबंधित उनके कुछ प्रमुख विषय देश के जनता के लिए आने वाले पीढ़ी के बताने के लिए इस प्रधानमंत्री संग्रहालय का एक भव्य निर्माण किया गया है। आजाद की अमृत महोत्सव के दौरान इस म्यूजियम को निर्माण होना हमारे पूर्व प्रधानमंत्रियों के प्रति एक आभार और एक प्रतीक है। आज का यह संग्रहालय भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती सुंदरता और राष्ट्रीय मान्यता का एक जीता जागता उदाहरण बन गए हैं। 15,600 वर्ग मीटर अंचल रे राइजिंग इंडिया डिजाइन ने निर्मित एक बिल्डिंग को पसिले प्रथम नजर को आसे धर्मचक्र को तोली धरी दुईट हाथ जहां गणतंत्र प्रतीक प्रधानमंत्री संग्रहालय 43 ग्यालेरी रही 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध 1974 1998 पोखरान आणविक परीक्षण कार्यक्रम को मध्य दर्शा जाएछि। ब्यूरो रिपोर्ट ओटीवी।